अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शेरी बेग। गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी अरसे बाद वीडियो आ रहा है। 13 अगस्त को मुझे याद है मैंने व्लॉगिंग वगैरह रोक दी थी, तो काफ़ी सारे लोग रीज़न जानना चाहते थे। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता भी थी और कई लोगों को नहीं पता थी। यार, रीज़न ये थी, मेरी अम्मी जान की ना तबीयत ख़राब हो गई थी। बेसिकली ना उनको स्टार्टिंग में फीवर हुआ था और आहिस्ता 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 ख़राब होते होते वो 2 वीक्स के अंदर ही, वो मतलब 13 अगस्त से 25 अगस्त को मामा की डेथ हुई है। मतलब इतने टाइम पीरियड के अंदर अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। तो यार, उस टाइम तो मैंने यही कहा था कि यार अम्मी की तबीयत ख़राब है तो मैं छोड़ देता हूँ सब कुछ यार, क्योंकि मामा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है। और मुझे तो इस बात का पता भी नहीं था कि ये बीमारी का रिज़ल्ट ये निकलेगा। मुझे लिटरली डेट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि यार ऐसा कुछ होने वाला है या इस तरह का दिन मुझे देखना पड़ेगा अपनी लाइफ में। और सब कुछ बहुत हार्ड था एंड सब कुछ एक ख्वाब की तरह था। ऐसे लग रहा था कि यार ये सब कुछ ख्वाब है, एकदम ख़त्म होगा, आँख खुलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पहली बात ये जो मैं इनएक्टिव था कि यार 13 अगस्त से आगे तक तो वो ये रीज़न थी ना कि अम्मी बीमार थी। फिर उसके बाद अम्मी की डेथ होगी 25 अगस्त को। माशाल्लाह अम्मी कलमा पढ़ते हैं, रुखसत हुई हैं दुनिया से और बहुत सॉफ्टली स्मूथली अम्मी गई हैं। लाइक होता है, मतलब जब बंदे का वक्त नज़ा आता है तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरी मामा की ज़बान पे कलमा था। वो कलमा पढ़ते गई हैं, जुमेरात का दिन ले गई हैं, मुहर्रम का महीना ले गई हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स पेट की बीमारी से वफात पाता है, मतलब कॉज ऑफ डेथ ये होती है, तो वो मतलब बख्शा होता है। लेकिन ये अल्लाह ताला के मामलात हैं। लेकिन एक मुसलमान के लिए बहसियत है मुस्लिम, यार सबसे बड़ी डिज़ायर किसी भी मौलवी से पूछ लो, किससे भी पूछ लेना, यही डिज़ायर होती है कि यार मरते वक्त ना कलमा तैयबा नसीब हो जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये हमारी वालदा को नसीब हो गया। बहुत हार्ड टाइम अभी भी चल रहा है। मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और अपनी चीज़ों को, लाइफ को रूटीन में लाना चाह रहा हूँ। देखो यार, बंदे का बिजनेस में लॉस होना, चलो यार वो हो जाता है, बंदा दिलासा दे देता है यार चल कोई नहीं यार, खैर पूरी ज़िंदगी पड़ी है, कर लेगा, कवर अप हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये जो ये वाला लॉस है ना, ये कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता। मतलब अब कोई भी लिए हो ना यार, मेरी पूरी ज़िंदगी की खुशियाँ, अचीवमेंट्स, सब कुछ एक तरफ रख लो और मेरी माँ का दुख एक तरफ रख लो ना, तो मेरी माँ का दुख ज़्यादा भारी है। क्यों? क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ है वो आपको दोबारा नहीं मिलनी। देखो, मैं आज गिरता हूँ, मेरी फेम ख़त्म हो जाती है, मेरे अकाउंट डिलीट हो जाते हैं। मेरे अंदर है, हिम्मत है, अल्लाह की ज़ात मेरा साथ देगी, मैं दोबारा कवर अप कर लूँगा। बिजनेस में लॉस होता है, अल्लाह की ज़ात करेगी, वो हम दोबारा कवर अप कर लेंगे, ठीक है। ये जो सारे दुनियावी लॉस है ना, ये हम फुलफ़िल कर सकते हैं। लेकिन यार ये जो ये वाला लॉस है ना, इसमें इंसान बेबस होता है। जब अम्मी का इंतकाल हो रहा था, मतलब वक्त नज़ार चल रहा था, उस टाइम हम चारों भाई पास थे, वालिद साहब पास थे और बाकी घर वाले भी सारे पास थे। माशाल्लाह अम्मी कलमा पढ़ते गई हैं। और यार पहली दफ़ा देखा कि जान कैसे निकलती है। पहले ये था कि यार यही होता था ना कि ना किसी ने कहना ना यार कि मौत को याद रखना चाहिए, तो हमने मतलब, मुझे शर्म आती है ये बात करते हुए कि ईमान था हमारा मौत पर, मौत पर ईमान था, लेकिन हम दुनिया में इतने मतलब मशगूल हो चुके थे दुनिया के कामों में, इतनी गफलत में ज़िंदगी गुजार दी हमने कि हम यही चीज़ सोच रहे थे कि यार कोई नहीं देखा जाएगा, कोई नहीं आता है, हाँ अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन यार वो जब पॉइंट आया ना, उस टाइम पता चल रहा था कि यार कितना हार्ड टाइम होता है। अब ईमान जो है ना, मतलब मौत के ऊपर अब वो और पुख्ता हो गया, क्योंकि लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल, इतनी ज़िंदगी गैर मुतवक्के हो गई कि आपको नहीं पता कि अगले सेकेंड में क्या होना है। हम बचपन से ये बात करते हैं कि हमें अगले सांस का नहीं पता कि अगले सांस में क्या होना है, लेकिन हमारा उस चीज़ के ऊपर उस टाइम तक प्रॉपरली मतलब ईमान नहीं आता, जब तक मतलब मजबूत नहीं होता इस चीज़ के ऊपर, जब तक आपके ऊपर वो चीज़ आए ना। आपकी ज़िंदगी में जब आपके ऊपर वो फेज़ आता है, तब आपको चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि यार मैं क्या करता रहा, मैं क्या करता रहा। और इस पॉइंट पर मेरे इतने दोस्तों ने साथ दिया यार, और मेरे घर वाले रिश्तेदारों ने, और मेरी फैमिली ने जो इंस्टाग्राम की फैमिली है, इतनी दूर दूर से मेरे फैंस आए मिलने के लिए, और मामा के 10वें तक लोग आते रहे हैं। और इतना माशाल्लाह बड़ा जनाजा था अम्मी का, मैं क्या बताऊँ।
तो सब भाइयों का शुक्रिया और बाकी भी सारों का शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे हार्ड टाइम में साथ दिया। यार ये टाइम ऐसा होता है ना, इस पर आपको पता चलता है कि आपके असल रिश्ते क्या हैं। कुछ बहुत सारे रिश्तों की सच्चाई भी खुली और काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली मुझे इस टाइम के अंदर, क्योंकि यार कौन मेरा सक्का है, कौन मेरा साथ कैसा है, कौन दुनियावी तौर पे बस तलक निभाने आ रहा है कि यार इसको पता चले इसके हार्ड टाइम में साथ थे लेकिन अंदर से वो कैसा है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हुए हैं, वो आए अफसोस करने थे फिर बाद में हंस भी रहे थे। बहुत से लोग हैं यार इस तरह की, बहुत सी चीज़ें हैं मैंने लाइफ में देखी हैं और बहुत क्लोज बंदे को देखे हैं। तो सारी चीज़ें देखने के बाद रियलाइज़ हो जाता है जो आपके ऊपर फेस चल रहा होता है ना, वो सिर्फ आपकी फैमिली समझ सकती है, जो आपके सक्के रिश्ते हैं या आपकी वो जो मदर के बहन भाई हैं वो फेस कर सकते हैं। बाकी आपका दोस्त यार जो भी आ रहा है ना वो नहीं समझ सकता। दिलासा आपको हर कोई देगा, यार कोई नहीं यार, चल कोई नहीं। और मुझे जब आगे कोई कहता ना चल कोई नहीं खैर है, एंड मेरा खून ऐसे खोलता था, मैं उसका गिरेबान पकड़ के उसको एक लगाऊं और उससे पूछूं कि कैसे खैर है, आपने एक लॉस हुआ आपका। मेरा दर्द वही बंदा समझ सकता है जिसने अपने अम्मी या अबू खोए हुए। देखो यार मुझे उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा बैड कमेंट्स भी आए। अच्छा देखो यार अल्लाह की ज़ात होती है ना, अल्लाह की ज़ात होती है, इंसान को हदायत दे दे जैसे मर्जी रखे, अल्लाह की ज़ात है ना, वो मेरा मालिक है और मेरा हिसाब भी अल्लाह की ज़ात ने करना है। तुम लोग कौन होते हो यार मुझे जज करने वाले। अच्छा मैंने इस्लामिक पोस्ट लगा दी, वो पोस्ट ऐसी थी कि फजर भी मिस कर दी, जुहर भी मिस कर दी, असर भी मिस कर दी, मगरिब भी मिस कर दी, ईशा भी मिस कर दी, और उस बंदे ने कहा कि मैं कल पढ़ूंगा। वो कल पढ़ने लगा, उस रात उसकी वफात हो गई और वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रही थी, मुझे वापस भेज दो। ये मैंने पोस्ट अपने स्टोरी पे लगाई और उसके बाद एक उसको मैं क्या कहूँ, तो वो 14 साल का लड़का मुझे कमेंट क्या कर रहा है, हाँ अब तो बड़ा इस्लामिक हो गया, तेरी माँ मर गई है। यार मतलब तुम लोगों की मतलब तुम्हारे माँ बाप नहीं है, मतलब तुम्हारे माँ बहन कुछ भी नहीं है तुम्हारे घर में, तुमने मरना नहीं है। ये फेज अगर आज मेरे पे आया कल को तुम्हारे ऊपर भी आना है। इस चीज़ की वजह से आप तुम ये ना सोचो कि यार ये इसके ऊपर टाइम आ गया है, देखते हैं इसको जज करते हैं ये वो। उसके बाद यार मेरे दोस्त वगैरह कुछ मुझे बाहर ले गए कि यार इसका माइंड डाइवर्ट करते हैं। असल में मेरा जो बड़ा भाई है नुमान, वो काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था, तो उसको भी आउट करने के लिए और मुझे भी आउट करने के लिए थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए बाहर ले गए कि यार रेस्टोरेंट जाएंगे थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे। एंड उन्होंने कहा यार बैक कर अपनी लाइफ में, बैक कर सोशल मीडिया पे आ ये वो। मैंने वैसे ही जस्ट एक स्टोरी डाली एंड सारों के साथ, और उसमें किसी ने मेरी आंखों पे फोकस नहीं किया कि मेरी आंखें दबी हुई हैं, अभी भी मेरी आंखें सूजी हुई हैं और मेरी आंखें सूजी रहती हैं। उसकी रीज़न कोई मेरे से नहीं पूछता क्या है, क्योंकि यार जो अपना होता है ना वो पता चल जाता है, वो आपको देख के पहचान लेता है। उसके ऊपर पोस्ट के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट ये आए थे कि आपकी आईज़ इतनी स्वेल क्यों है, आपकी आईज़ अंदर क्यों गई हुई है, और 5-6 कमेंट ये आए थे आपको शर्म नहीं आती, कैसे कर लेते हो यार तुम लोग, मतलब तुम्हारी अम्मी का भी इंतकाल हुआ है और अभी तुम लोग ये कर रहे हो। इतने कमेंट्स आए, इतना सारा कुछ आया। और अभी रिसेंटली अम्मी की डेथ को जब 12 दिन हो गए थे तो मुझे एक पेड प्रमोशन आई हुई थी, वो मैंने करनी थी, वो मेरी ज़रूरी थी, क्योंकि यार मेरे खुद के अखराजात हैं। मुझे मेरी अम्मा इस ज़िंदगी में कह जाती कि बेटा तूने ये काम नहीं करना, ये छोड़ दे सब कुछ। मुझे 0.5% मेरी माँ हिंट दे जाती ना तो मैंने छोड़ देना सब कुछ, तुम्हारी बकवास से मैंने नहीं छोड़ना, ठीक है ना। मेरी मामा को मेरे ऊपर प्राउड था, मेरी अम्मी जान खुश होती थी वो जब देखती थी, वो जब मॉल्स में जाती थी, जहाँ भी जाती थी लड़कियाँ आगे पूछती थी, लड़के आगे पूछते थे कि आप वही हैं ना शहरी की मामा। उनके लिए फ़ख्र की बात थी कि उनके बेटे ने 15 साल की उम्र में पूरे पाकिस्तान में नाम कमा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मेरी 19 साल उम्र है, 4 साल की मेरी स्ट्रगल है पीछे, और मुझे इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था अगर मेरी माँ मुझे कह देती कि बेटा ये सब कुछ छोड़ दे, और मैंने छोड़ देना सब कुछ। और एट दैट टाइम मुझे कई काफ़ी लड़कों ने ये कहा अगर तुम अपनी माँ से प्यार करते हो तो ये सब कुछ छोड़ दो। एंड मैं भी ऐसा हो गया कि मैंने अपने इंस्टाग्राम की सारी वीडियोस डेल कर दी, अपने टिकटॉक ऐसा ऐसा डेल कर रहा था, मैंने 50 से ज़्यादा वीडियोस डेल कर दी। एंड एट दैट टाइम मेरे एल्डर ब्रदर असलान बेग मेरे पास आए, मुझे समझा रहे हैं कि बेटा क्या कर रहे हो तुम, अल्लाह की ज़ात के साथ जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, ठीक है, वो जो तुम्हारी लाइफ है वो तुम्हारी है, ठीक है, उसके अंदर जो तुम करते हो ये तुम्हारी है, बस गलत राह में ना जाना। और ऐसे ही है, 4 साल हो गए, आप मुझे बता दो कोई टिकटॉकर खोल के दिखा दो लड़की के साथ वीडियो ना बनाई हो। मैंने नहीं बनाई यार, मैंने फेम लेने के लिए नीचे नहीं लगाऊँ, अच्छा कंटेंट रखा है, मेहनत की है, घटिया नहीं आया, चवल नहीं मारी, इज्जतदार खानदान से बिलोंग करता हूँ तो इज्जतदार बंदा रहा हूँ मैं। अपनी सोशल लाइफ में भी कभी किसी बच्ची से पैसे खाए नहीं है मैंने। टिकटॉकर की हिस्ट्री खोल लो, 60-60 हज़ार रुपया, 70-70 हज़ार रुपया इन लोगों ने लड़कियों के देने हैं और उसके बाद ब्लॉक करके चले जाते हैं। ये लोग तो ऐसे हैं भाई,
मुझे पता था कि यार मैंने कैसे रहना है, मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, और अगर मैं ऐसी हरकत करूँगा तो उसके बाद मेरी फैमिली का रिएक्शन क्या होगा, मेरे माँ बाप की इज्जत है। मैंने उस चीज़ को बरकरार रखा, उस इज्जत और आबरू को बरकरार रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल की उम्र में, 17 भी नहीं बल्कि 16-17 साल की उम्र में मैंने अपनी पहली पे अपनी माँ को दी थी, और मैं खुश हूँ इसके ऊपर। मेरी मामा बहुत प्राउड करती थी मेरे पे। जो लड़के इस उम्र में अपने घर से लेके खाते हैं, मैं उस उम्र में अपने घर कमा के देता हूँ। यार ये मेरी वे ऑफ इनकम है, जो मेरे अमाल है ना वो मेरे साथ है। आप लोगों को इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये मैं सारों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जिन्होंने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए थे, आपको ये नहीं आती, आपको शर्म नहीं आती, ये है वो है सारा कुछ है। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रमोशन की और उसके साथ एक लड़के के साथ ना स्कैम हो गया। मेरे DM में क्या मैसेज कर रहा है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी माँ भी मरी है, उसके बाद ये सारा गुनाह तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी माँ को कब्र में मिलेगा, देखी याद रखी। उस बगैरत आदमी को इतनी सी शर्म नहीं आई, वो मेरा फॉलोअर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। तो यार मैंने उसको ये बात कर दी, मैं कहा यार पहली बात तो तुझे अपने अल्फाजों पे शर्म आनी चाहिए यार, अगर तुम्हारे घर में माँ बहन है कि यार मेरा अगर किसी बंदे ने लॉस किया डायरेक्टली, मेरे से तो लॉस नहीं ना हुआ, मैंने तो नहीं ना तुम्हारे से पैसे खींच के लिए, अब तुम्हारी मर्जी है यार तुमने आगे से लिया नहीं लिया, अब मुझे क्या पता था। काफी सारे लोगों को फायदा भी हुआ, कईयों के साथ स्कैम हुआ, तो उसमें मेरी गलती नहीं है भाई, मैंने अपनी हलाल कमाई है, अपना पूरा उसको प्रमोट किया, एंड आफ्टर डैट अगर वो तुम्हारा लॉस में गया वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे में अकल है उसको यूज करना है नहीं करना है। काफी सारे लोगों ने नहीं किया, अब मैं क्या करूं इसके अंदर। अब मैंने उसको कह दिया मैं हाफ पे कर दूंगा, फिर उसके बाद जब उसने कहा कि ये पैसे दे रहा है तो चलो ठीक है, उससे माफी मांग लेते। पता नहीं यार कैसे कैसे लोग हैं, मतलब एक तो मुझे ये नहीं समझ आती है कि आपको हर बंदा टारगेट क्या करता है, तेरी माँ ऐसी, क्यों भाई माँ के ऊपर क्यों जाते हो, तुम माँ के ऊपर क्यों जाते हो, मेरी लाइफ है मैं गलत गुजारूँ अच्छी गुजारूँ, मेरी माँ को क्यों टारगेट करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह लोग मिसालें देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे घर लामा नहीं आया कि आपके लड़के ने उस लड़की को छेड़ा है, आपका लड़का उस गलत एक्टिविटी में था, आपका लड़का चर्स पीता पकड़ा गया। जो मैं करता हूँ पोर्ड वगैरह वेब वगैरह करता हूँ वो मेरी स्टोरी की लिमिट तक है, और वो मेरी पर्सनल लाइफ है, उसके अंदर आपको दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए, आप ये कर रहे हो वो करो, आई डोंट गिव अ मैन। तुम लोगों को जो सोचना है वो सोचो। बस यार मैंने ये रीज़न तुम्हें बतानी थी, और इंशाल्लाह मैं अपनी लाइफ में कम बैक कर भी रहा हूँ, और अब मैं डबल स्ट्रांग हो गया हूँ। मुझे लोगों से तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है ना, क्योंकि मैंने अपना जो भी तलक था, जो अच्छा तलक था वो भी देख लिया, और जिनके ऊपर मान था वो भी देख लिया है, और यार जिनसे उम्मीद नहीं थी वो भी देख लिया, मैंने सारी चीज़ें जज कर ली हैं। और ये जो तुम लोग बात करते हो ना, आप कैसे हंस लेती हो, ये कर लेती हो वो कर लेती हो, और हंसने वाले कमेंट आप लोग कर रहे थे, मैं ऊपर से रोने वाले ऊपर लिख रहा हूँ कि यार मेरी अम्मी ऐसे बहुत हो गया, उसके ऊपर 15 बंदों ने हंसने वाला रिएक्ट किया। यार जब तुम्हारे ऊपर, अल्लाह करे कि यार तुम्हारी लाइफ में ऐसा फेज ना आए, लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ में ये फेज आ गया ना, फिर मैं तुम लोगों से पूछूंगा कि कैसे तुम्हारा हंसने का दिल करता है, कैसे तुम्हारा रोटी खाने का दिल करता है, कैसे तुम्हारा घर से बाहर निकलने को दिल करता है। जब जिस बंदे के ऊपर ये फेस होता है ना, सिर्फ उस बंदे को पता है इस बात की अहमियत। जब आप घर में एंटर होते हो, आप कहते हो अम्मी किधर है, और आप ये बात आप करते हो तो डरते हो, क्योंकि अभी आप अम्मी से मिल के आ रहे हो। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में दिन में 5 दफ़ा जाता हूँ, और मैं नमाज के अलावा अपने ज़रूरी काम जो घर के आगे पीछे होते हैं उसके लिए मैं निकलता हूँ भाई। उसके बाद मैं जब मुझे नहीं फील होता, जब मैं जाता हूँ अम्मी की सिरपाई मुझे खाली मिलती है, थोड़ा सा डांट देता, मुझे नहीं फील होता। यार ये जिस बंदे के ऊपर फेज होता है वो सिर्फ वो समझ सकता है, और कोई भी नहीं समझ सकता। और कोई भी बंदा कहते ना मैं तेरा दुख समझ तो नहीं समझ सकता, ये सिर्फ वो समझ सकता है जिसने अपने वालिद खोए या वालदा खोई है, और कोई भी नहीं समझ सकता। ईद आएगी उनकी याद आएगी, शब रात आएगी उनकी याद आएगी, कोई खुशी आएगी उनकी याद आएगी, कोई हंसूंगा ज़्यादा तो उनकी याद आएगी, कोई टोकेगा तो उनकी याद आएगी, कोई किसी से नाराज होगा तो उनकी याद आएगी, जिंदगी से तंग आऊंगा तो उनकी याद आएगी, हारूंगा तो उनकी याद आएगी, जीतूंगा तो उनकी याद आएगी, हर पॉइंट पे उनकी याद मुझे आएगी। वो नहीं निकल सकती जिंदगी से, ये गम उसी टाइम ख़त्म होएगा जब मैं मरूंगा, उससे पहले ये गम मेरा नहीं ख़त्म होना। और तुम लोगों के लिए मजाक है, तुम लोग कर देते हो हाँ जी ये कर देते हैं ये कर देते हैं, कमेंट करना बहुत आसान है मेरी जान। जिस टाइम ये फेस तुम्हारे ऊपर आया ना, उस दिन मैं पूछूंगा तुमसे कि कैसा फील होता है, फिर मैं कहूँगा तुम्हें हाँ, लेकिन मैं इतना घटिया इंसान हूँ नहीं कि मैं किसी के रोने के ऊपर हंसने वाले कमेंट करूँ या रिएक्ट करूँ और उसको आगे से कहूँ कि हाँ हाँ ये वो। खैर अल्लाह की ज़ात किसी को ऐसा फेस ना लेके आए ज़िंदगी में, और ना ही ऐसी चीज़ें आए, क्योंकि माँ की जो कमी होती है ना
वो कोई भी नहीं बंदा फील कर सकता यार। उस टाइम ना, उस टाइम मुझे 100 लोग गले से लगा रहे थे कि बेटा ऐसा होता है, ऐसा होता है। सबको मैं टेंशन मेरी थी कि यार ये सबसे छोटा है, ये कैसे करेगा। मेरी अटैचमेंट ज़्यादा थी, मेरी स्टोरीज देख लो, मेरे ब्लॉग्स देख लो, मैं मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। खैर यार, बस मैंने यही कहना था, इससे ज़्यादा मेरे से बोलने की हिम्मत नहीं है, ना मेरे से बोला जाना है। बस यार अपने एक ही तुम सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, अगर तुम्हारी वालदा या वालिद हयात हैं, अगर दोनों माशाल्लाह से हयात हैं, तो उनकी कदर कर लो, वरना पूरी ज़िंदगी रिग्रेट रहेगा। काश ये कर लिया होता तो आज ये ना देखना पड़ता, काश ये कर लिया होता तो ये ना करना पड़ता। मुझे अल्लाह की ज़ात से कोई शिकवा नहीं है, वो मेरा मालिक है, वो मुझे आजमाए, वो जो मर्ज़ी करे मेरे साथ, और ये ज़िंदगी उसकी दी हुई है यार। वो मुझे 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। अगर मेरे से मेरी माँ छीन लिया है तो उसने मुझे सब्र भी दे दिया है। मेरा इतना दिल पत्थर हो गया, मैं चाहूँ भी तो नहीं रो सकता। हाँ, जब मेमोरी सामने आते रोना आता है, क्यों नहीं आता यार, टाइम गुजरा है, 19 साल मैं उनके साथ गुजारे हैं। बस ज़िंदगी का हार्ड टाइम चल रहे हैं, इंशाल्लाह ये ख़त्म तो नहीं होना पूरी ज़िंदगी, लेकिन जितना मैं स्ट्रांग हो गया हूँ ना इसके बाद, तो मुझे कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं तोड़ सकता। बाकी इंशाल्लाह मैं अपनी लाइफ में कम बैक करूँगा। और यही यार रीज़न थी। और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि अम्मी को क्या हुआ था, तो यार अम्मी को कैंसर हुआ था, जो कि जब हमें पता चला तो वो 4th स्टेज और लास्ट स्टेज कैंसर था। ये बहाना बनना था, अल्लाह की मर्ज़ी थी इस चीज़ में। मेरी माँ की बस पूरी ज़िंदगी यही ख्वाहिश थी, या अल्लाह चलते फिरते उठा लेना, किसी का मोहताज ना करना। और मेरी माँ बाकी किसी का मोहताज नहीं हुई है, जैसे पूरी ज़िंदगी खुद काम किए ना, वैसे ही अल्लाह की ज़ात ने एंड टाइम में भी किसी का मोहताज नहीं होने दिया, बड़ी स्मूथली गई हैं अम्मी। और इंशाल्लाह जन्नत में मिलूंगा अम्मी से, और उनका दुख कभी ख़त्म नहीं होने वाला। बाकी इंशाल्लाह अब लाइफ में कम बैक करूँगा, लोगों को इग्नोर करूँगा जो मुझे गिराना चाहेंगे, जो मुझे गिराएंगे मैं उनको गिराऊँगा। बस जो आना था वो होना था, हो गया, लॉस नहीं कम्प्लीट होना, ना पूरी ज़िंदगी फुलफिल हो सकता है। कोई बंदा कर सकता है, ना कोई बंदी कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। बस यार अपना ख्याल रखो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो। बाकी इंशाल्लाह व्लॉगिंग में आपसे मैं स्टार्ट कर दूँगा।